हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब, कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई जो तकरीबन 45 मिनट से ज़ायद तक जारी रही। इसमें उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करवाई है। 5 निकात पर मबनी ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। इसकी मदरजात पर बाद में जाते हैं, पहले जो सियासी नौयत के सवालात उनसे पूछे कि उसके जवाब में उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने वाजे किया कि ये अमेरिका का उनका दौरा था हालिया, वो निजी हैसियत में था और सिक्योरिटी का जो मामला उनके साथ दरपेश हुआ उनका इस सब को गुजरना पड़ता है क्योंकि मैं निजी हैसियत में वहाँ पर गया था और मैंने अमरीकी कवानीन का एहतराम किया। लेकिन जब अमरीकी नायब सदर के साथ मुलाकात हुई माइक पेंस के साथ, तो मिलिट्री अताशी साथ मौजूद था, दिफाई अताशी जिसे कहते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बात वाजे की है कि जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान 2 इससे पहले आ चुके थे, उन्होंने आज तीसरी बार भी अपनी बात को दोहराया है और कहा है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है और मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन सबूत के लिए यही काफ़ी है कि जो लोग मुंतखब होकर आए हैं बशमूल चेयरमैन सेनेट, वो एक हल्फिया बयान दे दें कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने वैसे इस जानब इशारा किया था, मैं सुना दूँ, अभी सुना देते हैं कि इमरान खान साहब ने भी एक ज़माने में इसी जानब इशारा किया। एक ज़माने में नहीं, चंद रोज़ पहले। अब तो ज़माना हो गया, 5 मार्च को सेनेट का इलेक्शन, प्रिसाइसली 5 मार्च, एग्जैक्टली चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हुआ था, 5 मार्च सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हुआ, 5 मार्च की वो तारीख हमें बताया जा रहा है। देख लीजिए, जो सेनेट के इलेक्शन हुए ये जमहूरियत की नफी हुई है, ये पैसा चला है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला, और उससे ज्यादा अफसोस से कहना पड़ता हूं कि कई लोगों ने अपने आप को बेचा, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। हमें यह तो पता है कि रिश्वत किसने दी, बदकिस्मती से हमारे पास ये सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने, क्योंकि रसीद देके तो रिश्वत नहीं कोई लेता। अब रिश्वत ली तो है, बिके तो है। अब इसके लिए मेरी प्रवेश खटक साहब के साथ बात हुई है, हम इसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी टीम बैठा रहे हैं और पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारी पार्टी में से बिके। और अब रेट क्या लगी, 4 करोड़ रुपए की रेट लगी एक सेनेटर, एक एमपी का जमीर खरीदने की, 4 करोड़ रुपए पे बिके हैं लोग। अब मैं ये पूछता हूं कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है पता चलवानी, क्या यहां इदारे खत्म हो गए हैं, क्या नैब की जिम्मेदारी नहीं, FIA की जिम्मेदारी नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको सारी कौम को पता कि लोग बिके हैं, अवाम के सामने लोग बिके हैं, हमारी जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचा है पब्लिक की नजर में, मुझे कौन जिम्मेदार है इसका, मुझे कहा जी अब मैंने लानत भेजी है उन लोगों। अच्छा श्याम साहब, इसमें वजाहत यह है कि सेनेट के इलेक्शंस हो चुके थे, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना बाकी था, उस बीच में इमरान खान साहब की यह बयान था जिसका आप, जब आप ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला है तो उससे मुराद सेनेट के अरकान का इंतखाब भी है और चेयरमैन का इंतखाब भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर किया है शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में, और जो हमारी मोहतरमा कायदे हिजब इख्तलाफ है शरीफ रहमान साहिबा, उन्होंने कहा है कि हम तहरीक इस्तेहकाक लेकर आएंगे वजीर आजम के खिलाफ, कि उन्होंने ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह किया है। अब पहली बात तो यह है कि जब वो रेफरेंस इमरान खान साहब दाखिल कर रहे हैं तो उनके उनको खुद भी जवाब देना चाहिए, कोई एक रेफरेंस कोई उनके खिलाफ भी दायर कर सकता है। नहीं, बल्कि इमरान खान साहब जो जिक्र उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरनली एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उन्होंने कहा इंक्वायरी कमेटी हमने बिठाई है, वो इंक्वायरी कमेटी उसकी रिपोर्ट कहाँ है,
उसका वो किस नतीजे पर पहुंची है। इमरान खान साहब को उस हवाले से कौम को एतमाद में लेना चाहिए, बल्कि वो जो 4 करोड़ जिस एमपीए को ऑफर हुए हैं उसका तो पता चल ही गया होगा। नहीं, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई कमेटी हमने मुकर्रर की है, उसकी रिपोर्ट आएगी, दो रिपोर्ट सामने लेके आए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शाहिद काकान अब्बासी साहब ने इंसिस्ट किया है, और ये इस तरह की बातें हमारे मीडिया में बेशुमार आई, उनके लोगों ने अल्जामात लगाए हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये देखिए ये कानून की दुनिया है। जब हम ये इज्तमाही ज़िंदगी जो गुजारते हैं वो उसमें जो सज़ा मिलती है वो कानून के हवाले से मिलती है। अल्ज़ाम जो है सिर्फ अब दोहराने से मामला नहीं चलता, और जिस अल्ज़ाम का सबूत मौजूद ना हो उसको ना तो लगाना चाहिए ना दोहराना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और मैंने इस पहले भी गुफ्तगू करते हुए इस पर कहा था कि इस्लाम में जो अल्जामात हैं उनकी हौसला शिकनी की गई है, उनको पसंदीदा बात नहीं समझा गया। जब आप किसी शख्स पर अल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने बद अखलाकी की है, और बद अखलाकी इंतहाई टर्म्स में रेप के मामलों में मैनों में जब ये इर्तकाब किया है इस इंतहाई नामनासिब फेल का, तो उस वक्त आपसे कहा जाता है, कुरान कहता है कि आप इस पे गवाह लाएं। बिल्कुल। तो 4 गवाह आपको एक खास कैफियत में लाने पड़ते हैं। अगर आप ये गवाह ना लाएं, 2 गवाह मौजूद हों, कत्ल जो है उसके मुजरिम के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं, यहाँ 4 गवाह रखे गए। अगर आप वो नहीं ला सकते मतलूबा गवाह, तो फिर आपको झूठा समझा जाएगा और आपके खिलाफ सजा होगी आपको, और आपके खिलाफ हद जारी की जाएगी, जिसे हद कज़फ कहते हैं। तो इस्लामी सोसाइटी जो है वो इस पे चलती है। तो आप अगर ऐसे अल्जामात जिनके सबूत नहीं है वो दोहराने नहीं चाहिए, उससे माहौल ख़राब होता है, ताफुन फैलता है, और हौसला अफजाई होती है किरदार लोगों की, कि उनको पता चलता है कि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसका तरीका ये है कि तमाम जमातें मिल जाएं और तरीके इंतखाब को तब्दील कर दे सेनेट के, जिस तरह औरतों की नशिस्तें तय होती हैं वैसे ही पार्टी पोजीशन उसी तरीके से पार्टी पोजीशन के हिसाब से ये नशिस्तें तय हो जाएं और तकसीम कर दी जाए हर एक को पता हो, या फिर सेनेट का इंतखाब बराहे रास्त हो, जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, सूबाई असम्बली के होते हैं उस वक्त ये भी हो जाए, और या फिर पार्टी के वोट जो है किसी सूबे में उनके तनासुब के एतबार से उसकी निशस्त तय कर दी जाए। शब्बर जैदी साहब ने ज्वाइन किया, तो कई वोटें, कई तरीके हैं जिससे आप इस सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं, उसी को तब्दील करना चाहिए। उसके बगैर अगर आप सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे तो वो फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, ठीक है, और डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, सही है। तो जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं उन सब के बारे में शकूक व शुबात पैदा होंगे उनकी नीयत के बारे में, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस शब्बर जैदी साहब क्योंकि आ गए हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। एमनेस्टी स्कीम एक दी है टैक्स पर जी, और वो एमनेस्टी स्कीम जो है उसके उसके उस पर गुफ्तगू करते हैं, उसके बुनियादी खतों पहले तो खुश आमदीद कहते हैं आपको। शब्बर जैदी साहब, आप इक्तिसादी उमूर के बड़े नामवर माहिर हैं, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। नाज़रीन के लिए और आपके लिए एक बार फिर से मुख्तसर निकात में दोहरा दूँ, 5 निकात ये स्कीम है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमाते हैं कि मुल्क में सिर्फ 7 लाख अफराद ने टैक्स दिया, 5 लाख अफराद ने 0 रिटर्न फाइल किए, और वो कहते हैं जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड होगा, जो कि 12 करोड़ अफराद हैं, वो शनाख्ती कार्ड नंबर ही उसका टैक्स नंबर काउंट किया जाएगा, और इनकम टैक्स रेट को खातिर खा कम किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख आमदन जिस शख्स की आमदन है पर फी महीना यानी 12 लाख मजमू तौर पर सालाना, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 5%, 24 से 48 लाख सालाना आमदन पर 10%, 48 लाख से जायद सालाना आमदन पर 15% टैक्स लागू होगा। मुकामी जो असासा जात शामिल सब उस पर 5% अदा करके उन असासा जात को टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जा सकेगा। टैक्स इस्लाहात जी, तो ये टैक्स इस्लाहात भी की गई हैं, और टैक्स एमनेस्टी जो है वो भी दी गई है जिनके असास से डिक्लेयर नहीं हुए थे। और दूसरी बात ये वो, जो एमनेस्टी वाला पहलू है वो आ रहा हूं। उसके डिटेल वो ये कहते हैं कि जी बाहर जो बैरून मुल्क जो मौजूद असासा जाते हैं किसी शख्स के भी, उस पर या रकम जो है उस पर 2% पेनल्टी अदा करके आप टैक्स नेट का हिस्सा बन सकते हैं, एमनेस्टी स्कीम का वसूल कर सकते, मुमकिन बना सकते हैं। साथ वो ये कहते हैं कि जी इसमें जो दूसरा उनका अहम नुकता है कि 5% जो आपका जो
टैक्स अदा करके आपके अपने जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं बिरोने मुल्क जो हैं, हाँ जी, उनको आप अदा करके तो सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जो मुकामी सतह पर आपके असासा जाते हैं वो डिक्लेयर करेंगे, अगर आप जो आप डिक्लेयर पहले से नहीं किए हुए आपने, उस पर 3% अदा करने से आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। मुल्क से बाहर जो डॉलर अकाउंट है जिन लोगों के, वो भी 5% अदा करके सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक और उन्होंने मिसाल के साथ एक मामले की वजाहत की कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी की कीमत कम बताते हैं, हुकूमत उस बारे में इख्तियार रखेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा कि 5 लाख मेरी प्रॉपर्टी की कीमत है, रजिस्ट्रेशन जब कराया था है, हाँ, 5 लाख रुपया डिक्लेयर करता अगर गलत बयानी से किया तो हुकूमत उसको 10 लाख दे के खरीद सकेगी, अगर गलत जाहिर की है वो खरीद लेगी खुद ही, ये इसलिए कि दुरुस्त प्रॉपर्टी वैल्यू शो की जाए। चलें जी, अच्छा एक मिनट है जी, जब्बर साहब जी, आप ये बताइए कि ये जो टैक्स इस्लाहात हैं और ये जो एमनेस्टी आई है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? यानी यही आप चाह रहे थे कि इसी इन्हीं खतूत पर ऐलान होना चाहिए? देखिए मेरा इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक इसमें इस्लाहात का पहलू है और एक दूसरा पहलू है एमनेस्टी का, और दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। अगर हमने जो वजीर आज़म साहब ने कहा है कि हर नेशनल टैक्स नंबर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाला टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, अगर हम इस अमल को पहुंचा देते हैं अपने आखिर तक, इसका मतलब है कि फिर हम अपना सही काम, अगर अब इसमें यही देखना पड़ेगा कि क्या उस अमल को हम पहुंचा सकेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा फेल होगा। ठीक, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत अहम बात ये है कि प्रॉपर्टी के तवाजुन से ये बात मैंने बहुत साल पहले, ये लॉ जो आज पाकिस्तान में आया ये इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट के पास प्रीएम्प्टिव राइट टू एक्वायर होता है। ठीक है, कि जो आप डिक्लेयर करें, अगर आपने 5 लाख डिक्लेयर किया और आप है वो 1 करोड़ की, तो गवर्नमेंट 5 लाख में आपसे खरीद ली। ठीक है जी, प्रीएम्प्टिव राइट टू डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही लॉ है। ये मैंने 5-6 साल पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था, मगर मुझे किसी ने ये कहा था कि ये शायद इस्लाम में कोई शरीयत में ट्रांजेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, मगर मैं उससे एग्री नहीं करता, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक बात, उस भी गलत बात की गई थी, तो ये मैं अब जो लाया गया ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो अहम बात है, दुरुस्त बात जो बहुत हम लोगों को सोचना विचार करना चाहिए, वो है एमनेस्टी स्कीम का। एमनेस्टी स्कीम के बारे में मैंने एक किताब भी लिखी थी 2016 में, पनामा लीक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज के नाम से, और ये यकीन था कि पाकिस्तान में ये जो आज जो स्कीम अनाउंस हुई है ये होगी, क्योंकि मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि ना आपके पास एसेट का ट्रेल मौजूद है, ना आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप किसी को पकड़ के ला के पैसे रिसीव कर सकें। तो अब जब आपके पास ट्रेल मौजूद नहीं है, एसेट मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन 2019 से पहले अवेलेबल होने का चांस भी नहीं है, तो एक मौका मिलना चाहिए लोगों को कि वो अपने फॉरन एसेट को डिक्लेयर करें। मैं दोबारा और वापस लाना उनका स्वाबदीत है। ठीक, वापस लाना स्वाबदीत है, डिक्लेयर करना उनका राइट है। ठीक, तो ये अब ये इस पे मैं और आप बहस कर सकते हैं कि रेट 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, उस पे मैं आपसे बहस कर सकता हूँ, मगर मेरा ये सब मैं इस पर्सनली एज अ टैक्स एडवाइजर इस बात से बहुत अरसे पहले ये बात करता रहा हूँ कि आपको फॉरन एसेट पे एमनेस्टी देनी पड़ेगी। तो ये जो आज एमनेस्टी दी गई है ये बिल्कुल प्रिंसिपली उस बात के मुताबिकत रखती है जो मैं बात पहले से कहता रहा हूँ, मगर इसमें कुछ और अब जो बाकी चीजें इसके छोटे मोटे लवाजमात हैं वो हम इनकम टैक्स के जो बजट आएगा उसमें पूरा करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये एमनेस्टी दी है तो अब ये भी कोशिश करनी पड़ेगी हमें कि अब आइंदा वो जो दरवाजा खिड़की खुली हुई थी वो बंद हो। गोया इसका मतलब ये, अगर आप इससे इस्तेफादा नहीं करते और लोगों के जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं होते बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क, तो फिर सजा क्या होगी अगर उसकी उसका सुराग मिल गया? उसके बाद ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ शामी साहब, उसकी सजा ये होनी चाहिए कि अगर अब इस एमनेस्टी के बाद किसी का एसेट अवेलेबल हो तो वो कंफिस्केट हो। ठीक है, तो हुकूमत जब्त कर ले उसे। टैक्स लायबिलिटी नहीं, शुड बी कंसीडर्ड इलीगल एक्ट। ठीक है, आपने एक दफा जब कहा कि एक एसेट आपने दे दिया कि ये आपका एमनेस्टी दे दी जून तक, अब उसके बाद अगर आपका एसेट आइडेंटिफाई होता है तो वो एसेट गवर्नमेंट का राइट हो, गवर्नमेंट को कंफिस्केट करे, टैक्स नहीं हो। लेकिन अगर वो एसेट बरौने मुल्क है तो क्या है जी? अगर वही एसेट बैरून मुल्क है तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? सर बैरून मुल्क के अंदर भी अब कानून मौजूद हैं कि आप एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे कानून आने वाले मल्टी टैक्स ट्रीटी में ऐसे कानून आ गए हैं कि अगर कोई बंदा ये साबित कर देता है डबल टैक्स मल्टी टैक्स ट्रीटी में कि अगर एसेट इलीगल मीन से एक्वायर किया गया है तो वो वहाँ कंफिस्केट हो सकता है। इंग्लैंड में अभी एक UWO आया है,
unexplained asset or unexplained asset order, unexplained wealth order आया है इंग्लैंड में. वो ये कहता है कि अगर कोई एसेट एक्वायर बाहर एक्वायर किया गया है और उसकी सोर्स नहीं पता की गई तो उसको उसको हम कंफिस्केट कर लेंगे. तो इसके तरीके मौजूद हैं मुख्तलिफ लॉज में. और ये एसेट, ये मैं बाहर के एसेट की बात, अभी लोकल एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कानून मौजूद हैं दुनिया में और लाए जा चुके हैं जिसके तहत अगर बाहर ऐसे रखे तो ये हमें बार बार आप लोग भी मीडिया में ये बात वाजे करें कि अगर ये ब्रेक हमें लेना नहीं किए तो कल आपकी छूट जो मुश्किल होगी. और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसे कानून कानून बनाने के लिए तैयार है या तैयार होना चाहिए कि ये एसेट बाहर नहीं है तो ये फिर शबर साहब. अच्छा, अगर जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं समझा हूं कि जो बैरून मुल्क एसेट्स हैं अगर वो अनएक्सप्लेन्ड होंगे तो बैरून मुल्क हुकूमतें भी उन पर कब्जा कर सकेंगी और उनको जब्त कर सकेंगी. और अगर कोई शख्स पाकिस्तान में वो अपने एसेट डिक्लेयर कर लेता है और उस पर पैसे उस पर टैक्स अदा कर देता है तो फिर बैरून मुल्क भी उसको तहफ्फुज होगा, वो उसके एसेट जायज तसव्वुर होंगे. ये दुरुस्त बात है. ये इसकी इसका कैच ये है जामी साहब कि अगर मैंने पाकिस्तान में जाहिर कर दिया कि मेरा सोर्स था या मैंने एमएससी में पैसे दे दिए थे तो बाहर के मुल्क को हक हासिल नहीं है कि मेरे एसेट को कंफिस्केट करे. ठीक, अगर मैंने पाकिस्तान का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सका तो बाहर के मुल्क का हक हासिल है कि वो कंफिस्केट. ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक. चलिए और इसमें मैं आगे बता दूँ. हाँ जी, इसके बाद पाकिस्तान के बाद ये राइट भी होगा कि उस एसेट को गवर्नमेंट पाकिस्तान में जमा करा दे. ये भी हमारे ठीक ठीक है जी. बहुत शुक्रिया जी शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात की वजाहत की कि इस स्कीम का इतलाक सियासतदानों पर नहीं होगा. मज़ीद भी उन्होंने इसकी वजाहत की. एक ब्रेक के बाद वो बताते हैं क्या उनके जुमले थे. वेलकम बैक नाज़रीन. हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है उसका आज आगाज़ किया. ये 30 जून से लागू होगी, यानी दो ढाई महीने का वक्त अब रह गया. इससे मुस्तफीद हो सकते हैं शहरी. वज़ीर साहब, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे आएगी. अच्छा, फिर इसे पार्लियामेंट को इसे मंजूर करना होगा. ठीक, यानी कौमी असेंबली. अभी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सूरत होगी और सेनेट में भी मंजूर होगी. और फिर यह है कि इसको, क्योंकि बड़ा इस तरह की स्कीमें जो हैं इसको बड़ा शदीद खतरा लाहक होता है अदालतों से. क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तरह तरह की दरख्वास्तें देने की लोगों को आदत पड़ चुकी. लेकिन वो मुल्की मामलात पर वज़ीर आज़म साहब चीफ जस्टिस से मिल नहीं आए. हाँ ठीक है ना, अब वो मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी बात जेरे बहस आई होगी. क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी अपनी कोर्ट में इसका नोटिस ले रखा है, उसके लिए तजावीज पेश करने को कहा था. तो अब ये जो स्कीम है जो बहुत ज़रूरी स्कीम हो गई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा नादर मौका है जिससे फायदा उठाना चाहिए. इसको आप जिस तरह आप ताबीर करें इसके जी पहले खामोशी तक है. तो इसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी भी सपोर्ट चाहिए, पार्लियामेंट की भी सपोर्ट चाहिए. क्योंकि अब दुनिया पूरी जो है उसमें जो इल गॉटन मनी है या अनडिक्लेयर्ड मनी है उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन हो रहा है. और इस बात का खतरा मौजूद है के मुख्तलिफ गैर मुल्कों में जो एसेट्स ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तानियों के, दूसरे गैर मुल्कियों के, जो एक्सप्लेन नहीं किए गए पाकिस्तान के अंदर या वहाँ, तो उनको जब्त कर लिया जाए. तो अगर कोई एसेट बरतानिया में या फ्रांस में या जर्मनी में जब्त होना है या अमेरिका में जब्त होना है, ठीक, तो उससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि ये सब हजरात जो पाकिस्तानी हैं यहाँ अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें और इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा लें ताकि इनके वहाँ के एसेट्स भी कानूनी हो जाएं और पाकिस्तान को एक कोई माकूल मकदार में ज़र मुबादला मिल जाए. इमरान खान साहब लेकिन ये समझते हैं, अभी ताज़ा जो उनका तबसरा इस पे आया है, तफसीली स्टेटमेंट नहीं हम देख पाए ट्वीट की सूरत में गालिबन, वो ये कहते हैं कि ये काला धन सफ़ेद करने की कोशिश है. दुरुस्त है, ठीक है, यही है. और क्योंकि ऐसा धन है जो जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसकी आप जिसको आप गिरफ्त में नहीं ला सकते, जिसको आप जिसका पीछा नहीं कर सकते और उसको ताकुब कर नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए ये इंसेंटिव देना जरूरी है. दो और उनकी वजाहतें फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है शामिल साहब. वो ये कहते हैं कि जी जो सियासी अफराद हैं जितने भी मुल्क में वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे. और सवाल उनसे पूछा गया, पैनामा है जी बयान उनका, जरा सुना दें. जो लोग सियासत में है वो स्कीम का हिस्सा नहीं है. तो अगर आप मियां नवाज शरीफ के केस की बात कर रहे हैं जो नैब अदालत की जीनत है, तो
وہ معاملات وہیں جا کر سن لیں کہ اس کی حقائق کیا ہیں، لیکن کوئی شخص بھی جو ایکٹیولی سیاست میں ہے وہ اس کا اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، یہ اس کی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، لیکن یہ بات یہ کوئی شخص کوئی بھی میرا کوئی اگر سیاست میں ہے، اس کا چچا، اس کا بھتیجا، اس کا دوست، اس کا دور پار کا، یعنی وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے وہ اساس سے؟ یہ تو پھر لمبی کہانی ہے نا، اس طرح کے چکروں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے اپنے سیاسی حریفوں کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن عملاً اس کے اثرات وہ نہیں ہوں گے شاید جو مطلوب ہیں۔ ایک بریک ناظرین ہم لیتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کے ممتاز بینکار پرویز شاہد صاحب نے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب، اس سے پہلے کہ انہیں پروگرام ویلکم کریں، پنیاما لسٹ میں موجود افراد کا سوال بھی پوچھا گیا وزیر اعظم سے، آف شور کمپنی کا ذکر بھی کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی جو آف شور کمپنی ہے وہ اثاثہ ہے اور اس اثاثے کو ڈکلیئر کر کے آپ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کہا سیاست دانوں کو الگ کر دیا ہے اور باقی جو غیر سیاسی ہیں وہ اس حمام میں نہا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم جی پرویز شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام پرویز صاحب، آپ سے ایک بار میری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کا خیال تھا کہ پاکستانیوں کے جو اثاثے بیرون ملک ہیں فورن ایکسچینج میں وہ بہت بڑی اور بھاری مقدار میں ہیں، اور آپ نے ایک زمانے میں کوئی ایکسرسائز بھی کی تھی، آپ بتائیں گے کس طرح کی ایکسرسائز جو آپ نے کی تھی اور کیا اسٹیمیٹ ہے آپ کا؟ میں جی جب 1998 میں ہم نے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہو تو ہمارے ریزروز جو تھے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے تھے۔ ٹھیک، تو اس زمانے میں میں ایک اسٹڈی کر کے دی تھی اور اس وقت ڈاکٹر عشرت صاحب جو تھے وہ گورنر تھے سینٹرل بینک کے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور شوکت عزیز صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر تھے۔ ٹھیک، تو میں نے یہ 2000 میں ایک پریزنٹیشن ان کو دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ میں، جہاں پہ کافی سارے ڈپٹی ڈائریکٹرز جو تھے اسٹیٹ بینک کے وہ بھی بیٹھے تھے اور کچھ بینکرز بھی۔ ٹھیک، اور اس میں میں نے ان کو یہ پروف کر کے دیا نمبرز کے ساتھ کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر جو پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کا اس زمانے میں یعنی 1999 کے اینڈ تک 200 بلین سے 300 بلین ڈالر جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ میں نے ان کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا تھا۔ اب تو اس میں اضافہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ شام صاحب، مجھے تو یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ 1999 میں 200 سے 300 بلین ڈالر باہر پڑا تھا، پاکستانی روپے کتنے ہو گئے؟ نہیں پاکستانی اس کے حساب سے بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے جامع صاحب، ایک بات سنیں جی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں 1 بلین یو ایس ڈالر پر منتھ ریمیٹنسز کے آنا چاہیے، جبکہ اس وقت 80 to 90 ملین ڈالر صرف آتے تھے پر منتھ۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ جی 1 بلین ڈالر پر منتھ آنا چاہیے اور یہ وہ رقم ہے جو کہ سمپلی پاکستان کے جو ورکرز باہر کام کر رہے ہیں ان کی جو ریمیٹنس پاکستان میں آنی چاہیے، یہ وہ رقم ہے۔ میں اس کے علاوہ اور اس رقم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ لوگ جو ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں یا کسی اور پرپز کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو وہ میری باتوں سے ذرا تھوڑے سے حیران تھے، لیکن میں نے ان کو بہت ہی ایک سمپل فارمولا جو کہ میں جو فلپین بھی گیا تھا، میں بنگلہ دیش بھی گیا، میں سری لنکا بھی گیا، اور میں نے ان کو سارے وہاں کے سٹیٹسٹکس جو تھے وہ سارے جمع کر کے ان کو بتائے۔ اب جو شامی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ریٹرک زیادہ ہوتا ہے، وہ نعرے بازی زیادہ ہوتی ہے، جذباتی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور سمجھداری کی باتیں جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ اینکرز بھی شامل ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل ہیں، اور بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمارا ختم ہو گیا انفارچونیٹلی، بات کمپلیٹ کر لیجیے پرویز صاحب، جلدی سے بات مکمل کر لیں، وقت ختم ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں جی کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے نا جی، اس کو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھے، کہ پیسہ واپس پاکستان لے کے آئے، بس دیٹس اٹ۔ جب پاکستان میں پیسہ آئے گا وہ اکانومی کا پارٹ بن جائے گا، آپ اکانومی کو اس کے بینیفٹس دیکھیں کتنے زیادہ ہوں گے، آپ 2%, 4%, 5% لے کے کیا کریں گے؟ اور یہ پیسے وہ ہیں جو کہ سارے او ای سی ڈی بیس بینکس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید تفصیل تک بات کریں گے پرویز صاحب۔ سر ایک پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن اگر جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں وہ اور ان کے خاندان والے
اپنے تمام غیر ملکی ساسہ جات کو اعلان کر دیں آج کہ ہم پاکستان لے کے آ رہے ہیں؟ یہ نعرے بازی ہے ساری، بھی یہ بات ہے نا، ہم سیاستدانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اصل بات یہ پاکستان کی پوری بزنس کلاس جو ہے اور عام لوگ جو ہیں سب کے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں گدڑیوں میں لال پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنے لال تھے آج، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔